एनएसयूआई तथा युवक कांग्रेस ने बीएसपी प्रबंधन द्वारा पिछले 10 वर्षों में 7 हेल्थ सेंटर बंद किए जाने के मुद्दे पर सेल और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी दिखाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में की गई कटौती के विरोध में बुधवार को टीए बिल्डिंग पहुंचकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर ज्ञापन सौंपा। भिलाई निगम के वार्ड 7 के पार्षद एमआईसी सदस्य आदित्य सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आदित्य सिंह ने बताया कि टाउनशिप में संयंत्र प्रबंधन के द्वारा तमाम सुविधाओं में लगातार कटौतियां की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सीमित कर दिया गया है, साथ ही विभिन्न सेक्टर में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कर दिया गया है और यही नहीं अभी और भी कई स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने की तैयारियां की जा रही है। आदित्य सिंह ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार तो तैयार है लेकिन बीएसपी प्रबंधन चर्चा ही नहीं कर रहा है। भिलाई टाउनशिप में पूर्व में पहले जगह जगह हेल्थ सेंटर हुआ करते थे जहाँ टाउनशिप के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल जाती थी, लेकिन पिछले विगत कुछ वर्षों से बीएसपी ने उन टाउनशिप के मेडिकल सेंटर्स को या हेल्थ सेंटर्स को बंद कर दिया गया है जिससे लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अभी बीएसपी के बहुत कम हेल्थ सेंटर संचालित है, जैसा कि सेक्टर 1 में कुछ है, सेक्टर 7 में है और सेक्टर 9 में ज़्यादातर दबाव सेक्टर 9 पे पड़ने के कारण वहाँ भी आज की डेट में स्वास्थ्य संबंधी सही व्यवस्थाएँ नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से बुके दे करके झा साहब को और मेडिकल के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से मांग किया है कि क्यों, चूँकि हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा देश अभी कोरोना विश्व की महामारी में अभी बहुत बुरे दौर से गुजरा है, तो हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं मिले। इस कारण आज एक ज्ञापन देके हम लोगों ने निवेदन किया है कि जितने भी हेल्थ सेंटर बंद हुए उनको पुनः चालू करके सुचारू रूप से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं मुहैया कराएं। समय सारणी बताएंगे कितना समय आप लोग लेंगे? एक हफ्ते बाद हम लोग इस पर जानकारी लेने आएंगे, नहीं होगा तो फिर आवेदन देंगे, फिर फूल देंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इस सड़क पर बैठकर भी अपनी मांग रखेंगे और इसके बाद भी बात नहीं होती तो मेन गेट का घेराव करेंगे। प्रदर्शन कर रहे और अपनी मांगों को लेकर अड़े प्रदर्शनकारियों को प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिलाया गया है। के संबंध में जो एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं कि पुराने हेल्थ सेंटर जहां बंद हो गए उनको फिर से शुरू किया जाए, तो उनसे हमने यही बताया है उनको कि ये सब चीज़ जो हॉस्पिटल प्रबंधन और हमारे प्रबंधन के साथ में इसकी चर्चा की जाएगी और इनकी मांग को वहां तक पहुंचाया जाएगा और इसके ऊपर जो होगा जो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, देखिए कारण तो विभिन्न कारण हो सकते हैं इसके, क्योंकि हम लोग नगर सेवाएं विभाग से संबंध रखते हैं, इसलिए एग्जैक्ट कारण अभी मतलब हमारा बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी कारण है और जो भी इनका जो डिमांड है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो विचार बहरहाल देखना होगा इनके प्रदर्शन का असर कब, कितना और कैसा पड़ता है और बीएसपी प्रबंधन इस पर कैसा कदम उठाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।